हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। आज हम बात करेंगे कि आप अपने ब्लॉगर की टेम्पलेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम आज थीम इंस्टॉल करके उसे एडिट भी करेंगे ताकि आपके ब्लॉग की लुक और भी अच्छी हो जाए और भी निखर के आए। अगर आप मेरे सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बीच बीच में इसे स्किप नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ इस एक टेम्पलेट को ही नहीं, किसी भी टेम्पलेट को बहुत ही इजीली एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो ये थीम ना रखें, वो कोई और थीम रखें। शायद उन्होंने कोई थीम पहले से चूज़ कर रखी हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस थीम को इंस्टॉल कैसे करें और इंस्टॉल करने के बाद उसमें चीज़ों को एडिट कैसे करें। तो आज ये वीडियो इसी लिए है ताकि आपको इन सब चीज़ों का आंसर मिल सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक टेम्पलेट ढूंढ लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि एक टेम्पलेट, एक अच्छी टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट थीम की फर्स्ट और लास्ट रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है उसका रिस्पॉन्सिव होना। आपकी जो टेम्पलेट होगी वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। बट अगर आपकी थीम रिस्पॉन्सिव ही नहीं है तो उसका फिर मान लीजिए कि आपकी 50% मेहनत जो है वो पानी में चली जाएगी, क्योंकि आपकी थीम डेस्कटॉप पे अच्छी दिखेगी लेकिन मोबाइल में अच्छी नहीं दिखेगी। और आप तो डिसाइड कर नहीं सकते हो ना कि आपके जो यूज़र्स हैं वो डेस्कटॉप यूज़ करें या वो फ़ोन यूज़ करें, वो तो उनकी मर्ज़ी है। इसीलिए आपकी जो थीम है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सी थीम होती है रिस्पॉन्सिव और कैसे पता करें कि थीम रिस्पॉन्सिव है या नहीं। फ्रेंड्स, थीम चूज़ करने के लिए, टेम्पलेट चूज़ करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे गुयाबी टेम्पलेट्स। जो फर्स्ट वेबसाइट आप देखोगे, आप उसको ओपन कर लोगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी अगर आप डायरेक्ट लिंक से आना चाहते हो तो। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पे थ्री बटन्स देख रहे होंगे। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट, सेकंड है फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स और थर्ड है SEO रेडी टेम्पलेट्स। फ्रेंड, ये SEO रेडी टेम्पलेट्स उनके लिए होता है जिनको SEO का 1% भी नहीं आता है, जो खुद अपनी टेम्पलेट का SEO नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स पर जाओगे तो वहाँ पर फ्री नहीं मिलेंगी। मैं अगर अपना बताऊं तो जितनी मैंने इस पे सर्चेस की हैं, जितनी भी टेम्पलेट्स मैंने ओपन करके देखी हैं इस पे, तो ऑलमोस्ट 1 या 2 ही ऐसी होंगी जो पेड होंगी, वरना सारी फ्री ही हैं। तो लेकिन हमें जाना है रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ओपन हो जाएंगे सारे के सारे रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स। हमें सिर्फ उनमें से चूज़ करनी होंगी, जो भी आपकी वेबसाइट की नीच है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सारी ओपन हो रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे टेम्पलेट्स ओपन हो चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे लुक भी दिख रही है आपको कि जैसे आप इनको इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट की जो लुक होगी वो कैसी दिखेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर लेनी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ ही टेम्पलेट्स हैं, आप देख सकते हो कि ये पेज 1 है और इसमें 120 पेजेस तक हैं। 120 पेजेस में अप्रॉक्स आपको 1400 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से एक तो आपको पसंद आ ही जाएगी। और अगर फिर भी आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दूंगी जो कि आपकी वेबसाइट को एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट के जैसे डिज़ाइन देगा। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें ये फर्स्ट वाली अच्छी लगी तो हम इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि हमें अभी सिर्फ ये देखना है कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं। मैं अभी रैंडमली अभी कोई भी अपलोड कर लूँगी अपने ब्लॉग पे, बट आप अच्छे से चूज़ करके अपलोड कीजिएगा। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाय का ऑप्शन भी है, डाउनलोड का ऑप्शन भी है और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन भी है। तो हम जाएंगे लाइव प्रीव्यू पे। इस पेज को आप पूरा लोड होने दीजिएगा।
पेज लोड हो गया है, हम जाते हैं लाइव प्रीव्यू पे। फ्रेंड्स, बहुत सारी टेम्पलेट्स होती है जिसके ऊपर ही डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप रिस्पॉन्सिव है या नहीं पता कर सकते हो, किस डिवाइस पे कैसी शो होगी पता कर सकते हो। बट अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो भी आपको क्या करना है, अपने क्रोम को छोटा कर लेना। तो अगर ये छोटे क्रोम के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है तो ये रिस्पॉन्सिव है, और अगर ये नहीं करती है, इसके जो टेक्स्ट हैं वो कट हो रही हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये तो खुद को एडजस्ट कर रही है अच्छे से, तो इट मीन्स कि ये रिस्पॉन्सिव है। ऐसे पता करते हैं कि थीम रिस्पॉन्सिव है या नहीं। अगर आप किसी और भी वेबसाइट से थीम डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐसे ही आप पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है बाद में अगर आप थीम को चेंज करते हैं और आप बैकअप लेना भूल जाते हैं तो आपको हर एक चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले एक हफ्ते की मेहनत की थी तो दोबारा एक हफ्ते की मेहनत लगेगी ही लगेगी, इसलिए पहले से चेक करना बेटर होता है। तो मान लीजिए कि हम ना अभी इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे बाय का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अगर आपको इसका प्रीमियम जो वर्जन है अगर बाय करना है तो आप बाय भी कर सकते हो, वरना इसी सेम वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया है, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है जिप वर्जन में, जिप फोल्डर में। तो हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे, आपके लैपटॉप में जैसे भी होता हो आप वैसे ओपन करिएगा। हमें बस इसकी जगह तक पहुंचना है जहां भी ये सेव है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे सेव है और जिप फोल्डर के वन में ये सेव है। तो हमें इस पे राइट क्लिक करना है, तो जो ऑप्शन आ रहा है ना ये एक्सट्रैक्ट टू फ्लैट ब्लॉक फ्री वर्जन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो ऐसा फोल्डर मिल जाएगा आपको, आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ना इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो फाइल आप देख रहे हो ना XML डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको इसकी ही ज़रूरत है, बाकी आप चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। फिर आपको अपने ब्लॉगर पे आना है, यहाँ पे आपको जाना है थीम में, ये जो थीम वाला सेटिंग है ना यहाँ पे इसमें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लेआउट में कुछ भी चेंजेस कर चुके हैं तो पहले आप अपनी जो थीम है उसका बैकअप ले लेंगे, उसके बाद ही इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक कर लेना है और जहाँ भी आपकी वो XML फाइल सेव है वहाँ पे जाके आपको उस XML फाइल को चूज करना है। जैसे कि मैंने अभी XML डॉक्यूमेंट को चूज कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैट ब्लॉक फ्री वर्जन .xml चूज हो चुका है। हम इसको कर देंगे अपलोड, इस अपलोड के बटन पे आप कर देंगे क्लिक और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमारी टेम्पलेट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। हम व्यू ब्लॉक करके देखते हैं कि रियल में हो चुकी है या अभी थोड़ा सा और टाइम लेगी ये। आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड लिखा आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई पोस्ट नहीं की है। जैसे कि उसमें दिखा रहे थे यहाँ पे सोशल प्लगइन्स भी हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का बटन भी है, एक आप वीडियो भी सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बाकी अभी तक हमने कर लिया है कि हमने ये जान लिया है कि थीम को चूज़ कैसे करना है, टेम्पलेट को चूज़ कैसे करना है, हमने उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये भी सीख लिया। अब हम आगे इसको एडिट करना सीखेंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं एडिट करने की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम इस थीम में एडिटिंग करेंगे। फर्स्ट हमें आना है लेआउट पे, थीम वाले ऑप्शन पे जहां हम गए थे उससे जस्ट ऊपर ही है लेआउट। फिर आप इस फेव आइकन पे जो एडिट लिखा है इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फेव आइकन सबसे पहले एडिट करेंगे। फेव आइकन ये होता है जो ब्लॉगर का नाम लिखा है और साइड में छोटा सा बी लिखा हुआ है ना, ब्लॉगर का लोगो है,
ये हम चेंज कर सकते हैं, हम अपना मनचाहा लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से जस्ट चूज फाइल करना है एंड उस फाइल को या उस लोगो को चूज करके यहाँ पे सेव कर देना है। बट इसके लिए आपकी जो इमेज है वो स्क्वायर होनी चाहिए और उसका जो साइज है 100 KB से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ें करके दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो मेन मेन चीज़ें ही हम करेंगे। जो इजी इजी वाली है वो मैं स्किप कर दूंगी, जस्ट बता दूंगी आपको कहाँ से क्या होगा, कर लेना आप खुद। लिंक लिस्ट पे आएंगे फिर हम। फ्रेंड्स आपको याद हो तो मैंने पेजेस आपसे बनवाए थे, इसीलिए मैंने एडिटिंग से पहले वो पेजेस बनवाए थे ताकि उनकी जो लिंक है यहाँ आप ऐड कर सको। जैसे कि होम पेज की तो वैसे लिंक है ही नहीं, मतलब हमने बनाया नहीं था बट लिंक तो वैसे है ही। अबाउट अस का जो पेज है यहाँ पे लगेगी लिंक, कॉन्टेक्ट अस की यहाँ पे लगेगी लिंक, मैं अभी आपको लगा के भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले ना आपको सारे पेजेस को ओपन कर लेना है, हर पेज को खोल लेना है जो जो हमने पेजेस बनाए थे। फ्रेंड्स मैंने सारे पेजेस खोल दिए हैं। ये जो आप पेज देख रहे हो लाइक आप जो मेन वाला URL होता है, जैसे ही आप उसको फिल करोगे तो जो पेज आता है ये होता है होम पेज। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है URL को, जाना है लेआउट पे, लिंक लिस्ट की जो नेविगेशन है उसको ओपन करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है एडिट एक है डिलीट। आपको एडिट पे जाना है तो यहाँ पे बॉक्सेस और ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नाम डालना है, हम डाल देंगे होम। अगर आपको ये करना है तो ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस ये सारे पेजेस होते हैं, बट होम पेज भी अगर आप लगाओगे तो अच्छा रहता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स एडिट पे करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको होम लिखा हुआ मिल गया। यहाँ पे आपको जो भी लिखा होगा HTTP या सिर्फ स्लैश होगा इसको हटा के और URL पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे कर देना है सेव। ऐसे ही आपको सारे पेजेस का कर देना है, जैसे कि मैं अभी अबाउट पेज का करने वाली हूँ। एडिट पे जाना है हमें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको लिखा मिल गया है अबाउट, इस लिंक को हटा के आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है रेल वाली लिंक, फिर कर देना है सेव। अगर आप इसको अबाउट हटा के अबाउट अस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अस लिख देंगे, इसको कर देंगे सेव। तो देखिए यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ आ गया है। ऐसे ही आपको सारे पेजेस कर देने हैं, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे पेजेस को ऐड कर दिया है। अब आप सोचोगे कि होम पेज हमें सबसे ऊपर चाहिए फिर उसके बाद अबाउट अस चाहिए, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो। जैसे ये जो आपको दो एरो दिख रहे हैं ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये जो दो एरो दिख रहे हैं ना आप इनको यूज करना है। लाइक जैसे कि अगर मैं इस वाले एरो पे क्लिक करती हूँ और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आप देखिए एक स्टेप ऊपर आ गया। ये ऐसे ही करके आपको इनको सही स्पेस पे लेके जाना है। देखिए ये होम सबसे ऊपर आ गया है। ऐसे आप अबाउट अस को ऊपर लेके जाओगे, कॉन्टेक्ट अस को ऊपर लेके जाओगे, जैसे भी आप इसको करना चाहते हो वैसे आप करोगे। इसके बाद आप कर दोगे यहाँ पे सेव। ये सब ठीक लाइन से हो गई, इसके बाद हमने क्लिक कर देना है सेव पे। तो ये सब ऐसे कैसे सेव हो जाएगा आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। बट उससे पहले हम हेडर को भी ठीक कर देंगे। जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, अकाउंट्स हैं, उनके लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका व्यूअर होगा, रीडर होगा, अगर आप उसको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे बुलाना चाहते हैं, फॉलोवर बनाना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसका तरीका भी सेम है, आपको एडिट पे जाना है एंड ऊपर फेसबुक टाइटल तो होगा ही, आपको नीचे बस अपने अकाउंट के साथ की जो लिंक होती है ना, जब आप अकाउंट अपना ओपन करते हैं उसकी जो लिंक बनती है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आपको हर सोशल मीडिया की ऐसे ही पेस्ट कर देनी है, तो ये सब रेडी हो जाएगा। फ्रेंड उसके बाद ऑप्शन आता है ट्रायल ब्लॉगर के हेडर का। आप जैसे इस पेंसिल पे यानी कि एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो ब्लॉग का जो टाइटल है वो आप रख सकते हो, जैसे आपके ब्लॉग का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे रख दोगे। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी सेटिंग्स में वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये वाला जो लोगो है, तो ये आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना यहाँ पे आ रहा है ये लोगो, अगर आपको ये यहाँ से चेंज करना है, हटाना है, अपना खुद का लगाना है, तो आप इसी वाली सेटिंग में आके ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पीछे ये दिखे तो आप इस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना दिखे, सिर्फ लोगो दिखे, तो आप ये बीच वाली सेटिंग रख सकते हैं। ऐसे करके आप इसको पूरा सेटअप कर सकते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं मोबाइल लोगो सेटिंग्स की तरफ। इसको जैसे ही आप एडिट करोगे तो ये मोबाइल के लिए है स्पेशली, क्योंकि ये थीम रिस्पॉन्सिव है जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड काफ़ी अच्छी थीम है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये थीम मेरे हिसाब से बेस्ट है। इसमें और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसको एडिट करके आप इसको बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग की। यहाँ पे आपको टाइटल रखना है, कैप्शन रखना है, लिंक रख देनी है, जैसे जिस भी आपको कहते हैं ना, अगर किसी को खुद का लोगो नहीं बनाना है लेकिन उसको किसी और का लोगो या सॉरी किसी और का लोगो नहीं, कोई ऐसी इमेज पसंद आ गई जो वो लगाना चाहता है, तो यहाँ पे उसके लिंक लगा सकते हैं, कैप्शन लगा सकते हैं, जैसे कि ऑल टैग हमने लगाया था आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो आप वे सारी वीडियोज़ आप पेजेस वाली वीडियोज़ देखो, हमने अबाउट अस वाले पेज में एक इमेज लगाई थी, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कैसे इमेज ऑल टैग लगाया था, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। फिर आप कर देंगे सेव। फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे ऊपर ये होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर टर्म्स एंड कंडीशंस को भी चेंज कर दिया, हमने सोशल बटन्स में भी अपने लिंक लगा दिए, हमने ये लोगो भी चेंज कर दिया। बट अब बात आती है इन ये जो आपको मेगा मेन्यू फीचर होम ऐसे मिल रहा है ना, इनको हम एडिट कैसे करेंगे। तो आपको इसके लिए भी लेआउट में ही आना है, मेन मेन्यू आप देख रहे हो लिंक लिस्ट, इसको एडिट करना है आपको। एडिट के बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वही वाली सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी जो हमने पहले भी करके देखी है अभी, जिसमें हमने पेजेस लगाए थे हमारे बने हुए, यहीं पे वो सारी सेटिंग्स आपको मिल गई है। एडिट करना है, लिंक लगानी है वो आप लगा सकते हो, उसको डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हो, किसी भी जिस डॉक्यूमेंटेशन को आप सेकंड नंबर पे लाना चाहते हो तो वो इन एरोज की हेल्प से आप ला सकते हो। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि एफिलिएट के लिए परफेक्ट थीम है वो, तो वो मैंने क्यों बोला था मैं आपको अभी बताती हूँ। आप जैसे अपनी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का आपको सिस्टम मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने क्लोथिंग के लिए एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई है, तो क्या करोगे आप, जैसे कि यहाँ पे आप लिख दोगे क्लोथिंग, यहाँ पे आप लिख दोगे मेन क्लोथिंग, उनकी जो टाइप्स है लाइक टी शर्ट शर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वियर कैजुअल वियर्स, ऐसे करके आप ड्रॉप डाउन में काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला था एफिलिएट के लिए ये थीम बेस्ट है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, न्यू टिकर आपको मिल रहा है। फ्रेंड्स ये न्यू टिकर और ये जो हॉट पोस्ट है ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक HTML आप इसमें कोड लगा सकते हो, HTML का ही कोड पहले से लगा हुआ है। आप इसको जैसे ही एडिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना होता है HTML कोड का, यहाँ पे आपको जो भी कोड मिलता है ना एफिलिएट मार्केटिंग के वेबसाइट से या कहीं से भी एडसेंस से ही क्यों ना हो, वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप एडसेंस का कोड पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ऐड दिखने लग जाएंगे, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के किसी प्रोडक्ट का कोड पेस्ट करोगे यहाँ पे तो वो प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा। ये दोनों चीज़ें वही हैं सेम। हम थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्लाइडर, फैशन, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। हर एक को एडिट करके जैसे चाहो वैसे इनको यूज कर सकते हो, जिस वे में चाहे उस वे में आप यूज कर सकते हो, किसी को हटाना है आप हटा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हो जैसे बुक्स वगैरह हो, टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोड लगा सकते हैं आप। इसमें स्लाइडर फैशन मैंने आपको Amazon एफिलिएट के उसमें, फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो Amazon जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि स्लाइडर के वे में आप प्रोडक्ट्स को कैसे दिखा सकते हो, उसमें आपको एक कोड मिलता है, आपको जिस इसे एडिट कर देना है, यहाँ पे आपको HTML का बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कोड को पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट पर वो स्लाइडर दिखने लग जाएगा प्रोडक्ट का। ये टोटली आपके ऊपर है आपको कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी हटानी है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की नीच पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स अब बात आती है लेबल्स की, जो कि आपके साइड बार में दिखेगा ये चीज़ें। फ्रेंड्स जो भी आप अपनी पोस्ट में कीवर्ड्स डालोगे वो इस लेबल वाले सेक्शन में सेव हो जाएगा और वो आपकी वेबसाइट पर दिखेंगे कीवर्ड्स। तो जब आप अपनी पोस्ट डालना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ये सिस्टम समझ आएगा, तब आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, चाहो तो आप रख भी सकते हो। इसके बाद बारी आती है सोशल प्लगइन्स की। जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो ये है आपके सोशल प्लगइन्स, आपको कितने सारे यहाँ पे अकाउंट्स मिल रहे हैं, टोटल 8 मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आना है। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वही पहले के जैसे सिस्टम इसमें मिल जाएगा, एडिट डिलीट वाला एंड एरो वाला,
आप इसको इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कैसे ये एडिट होगा। आपको सब कुछ एडिट करने के बाद कर देना है सेव पे क्लिक। फिर आपको नीचे आना है पॉपुलर पोस्ट। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपकी जो सबसे पॉपुलर पोस्ट होगी ना, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा होगा, पसंद किया होगा, वो यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का बटन होगा। ये वीडियो है, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो, अपनी कोई वीडियो भी लगा सकते हो, या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी पोस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो कोई भी। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आएगी आपके ब्लॉग पोस्ट की बारी। जो भी आप पोस्ट लिखोगे उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। इस ऑप्शन में आपको मिलता है कि आप एक नंबर पे, सॉरी फर्स्ट पेज जो होता है उस पर कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हो और उसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हो, पोस्ट किसने किया है उसके बारे में लिखना चाहते हो, यानी डेट कैसे शो हो वो कैसे दिखाना चाहते हो आप। इसका फॉर्मेट आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से देख रहे हो आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट मिल गए हैं। कमेंट्स आप दिखाना चाहते हो ना, रिलेटेड पोस्ट दिखाना चाहते हो या नहीं, टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, रिएक्शंस ये सब दिखाना चाहते हो या नहीं, आप इसको टोटली एडिट कर सकते हो। आपको यहाँ एक डायग्राम टाइप भी मिल रहा है बना हुआ, जिसमें ये दिखाएंगे कि आपने क्या क्या चूज कर रखा है इसमें और आपकी पोस्ट कैसी दिखेगी इसमें। रिएक्शन दिखेंगे, टैग्स दिखेंगे, कमेंट्स दिखेंगे, रिलेटेड पोस्ट दिखेगी। ये आपके पोस्ट की बॉडी है, जो जो आप आर्टिकल में लिखोगे वो है। उसके ऊपर ये शेयरिंग के बटन्स हैं, पोस्ट किसने किया है, किस डेट को किया है, पोस्ट का टाइटल है, ऑथर प्रोफाइल है, ये सब आपके जो पेज होता है ना मेन पेज उस पे दिखेगा। आपको यहाँ से एडिट करके यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप दिखाना चाहते हो वैसे दिखा सकते हो पोस्ट को। नीचे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे फ्रेंड्स। ये तीनों भी वही HTML JavaScript के ही हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो, यहाँ पे कोड ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स ये तीनों भी HTML JavaScript ही हैं, आप जैसे चाहो इनको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पॉपुलर पोस्ट की ऑप्शन मिलती है, आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कितने टाइम में जो सबसे पॉपुलर पोस्ट हुई है वो दिखे, लाइक एक साल में, एक महीने में, 30 डेज में, 7 डेज में, ये सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इमेज का थंबनेल दिखना चाहिए या नहीं, स्निपेट होना चाहिए या नहीं, डिस्प्ले आपको फ्री पोस्ट होनी चाहिए या नहीं, 3 पोस्ट दिखे, 1 पोस्ट दिखे, 7 पोस्ट दिखे, सब आपके हाथ में है। ये अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टिक कर दोगे, इसको कर दोगे सेव। फिर आप जैसे थोड़ा सा और नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू फुटर का मिल जाएगा, कि फुटर में जो आपको चीज़ें दिखे वो क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ, आप सबसे नीचे जब जाओगे तो ये होता है फुटर, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें होती हैं फुटर। यहाँ पे आप अपने पेजेस को लगा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लगाए हैं। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि ऊपर पेजेस नहीं होते, नीचे पेजेस होते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ऊपर जरूर रखो पेजेस, नीचे रखो चाहे ना रखो, लेकिन ऊपर आप जरूर रखो। यहाँ पे भी आप वैसे ही एडिट कर दोगे जैसे हमने फर्स्ट वाले में एडिट किया था, और उसके बाद कर दोगे सेव। एंड फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि हमें कुछ और ऐड करना है और वो ऐड नहीं कर सकते हो। हर सेक्शन में आपको ऐड अ गैजेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड अ गैजेट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स आ जाएंगे। लाइक आप चाहते हो कि मैं साइड बार में एक अलग चीज रखना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे। यहाँ से आपको फॉलोअर्स दिखाने हैं तो वो भी आप दिखा सकते हो, लिंक लिस्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट करना है तो वो भी आप टेक्स्ट कर सकते हो। और यहाँ आ गया ब्लॉग स्टैट्स। जैसे ही आप इस पर प्लस करोगे, ये प्लस का आपको साइन मिल रहा है, ऐड का साइन मिल रहा है आपको, ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कैसे शो करें, ये कैसे शो करवाना चाहते हो, जिस वे में आपको अच्छा लगता है ये उस वे में आप शो करवाओ। फिर आपसे पूछेगा कि ब्लैक ट्रांसपेरेंट रखें या व्हाइट ट्रांसपेरेंट रखें, जैसा भी आपको सूट करे आप वैसे ही इसको कर लेना, आपको इसको कर देना है सेव। ऐसे आपको इसमें बहुत सारे गैजेट्स मिल जाएंगे, आप सब गैजेट्स को देख सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले, तो मैं आपको ओपन कर करके नहीं दिखाऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स हमने पूरी वेबसाइट को एडिट कर लिया है। हो सकता है आपकी थीम अलग हो, अगर उसमें आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें, और भी ऐसी अच्छी अच्छी सीरीज मिलती रहें। फ्रेंड्स अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई नो मैं आज बहुत हड़बड़ा रही हूँ, क्योंकि वीडियो मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, सॉरी अबाउट दैट। फ्रेंड्स आई होप आपने मेटा टैग्स वगैरह बाकी सेटिंग्स पूरी अच्छे से कर रही हैं, क्योंकि अगर मेटा टैग्स आपने नहीं लगाए हैं तो
बहुत बहुत मुश्किल होने वाली है आपको रैंक करवाने में, हालांकि रैंक करवाने में ही नहीं, फर्स्ट तो आपकी पोस्ट दिखेगी भी या नहीं ये भी मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ। इसीलिए जितनी सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं आपको सारी सारी सेटिंग्स करनी है। अगर आपको सारी वीडियोस भी दोबारा देखनी पड़े तो आप देखो, लेकिन आप सारी सेटिंग्स A to Z कंप्लीट करके रखो ताकि जब भी आप अपनी ब्लॉग पोस्ट डालो वो दिखे भी और अच्छी जगह पे रैंक भी करे, अच्छी पोजीशन पे रैंक भी करे। अगर फ्रेंड्स मैंने उसमें भी कुछ पॉइंट्स अगर मिस कर दी हूँ, लाइक मैंने सोचा कि नहीं मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी ये चीज़ और नेक्स्ट वाली वीडियो में वो भूल गई, वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कोई झिझक नहीं करनी है आपको, सिर्फ मुझसे पूछना है आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे जो आपका फर्स्ट पोस्ट होगा ना, फर्स्ट आर्टिकल हुआ वो आप कैसे लिखें। इसलिए पहले की सारी सेटिंग्स आपको कंप्लीट करके रखनी है, ये मेरी तरफ से आपके लिए काम है, तो उसको प्लीज कंप्लीट करके रखना। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं, बाय बाय।